आज है 9 तारीख और आज अनंत पूजा है और दिन के अभी 12 बज रहे हैं। आयांश चला गया है स्कूल और आंचल तो चली गई है बाहर खेलने के लिए, बिहार से बाहर गई है। और इसके पापा का आज छुट्टी है तो आज अनंत पूजा है। अनंत देखिए बांध लिए हैं और आज हमें हमको पूजा नहीं करना था तो ये मंदिर से पूजा करवा के ला दिए तो फिर बांध लिए हैं और फिर बाद में पूजा करेंगे। और यहाँ पे देखिए इनके लिए सिर्फ खाना बना रहे हैं तो इधर दाल कड़ा हुआ है, इधर करेले की भुजिया और आलू का भुजिया बन चुका है और चावल चढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखिए दो सेब खा लिए आनंद बांध करके, पूजा तो करना नहीं था, आनंद बांध करके दो सेब खा कर यहाँ पे काट के अभी, और बस यही सब काम है। फिर फ्रेंड्स ये पानी है, सब्जी जो धोते हैं ना, सब्जी काट के बनाए थे तो वो धोए थे वही पानी है। और इसको जा रहे हैं हम गमले में दे देंगे क्योंकि वेस्ट नहीं करते, इतना गर्मी के मौसम में पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है ना हर जगह, तो पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको हम क्या करते हैं ना, सब्जी वाला पानी को दे देते हैं गमले में जाके फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए डब्बा बड़ा बड़ा रखा हुआ है और ये डब्बा ना पानी दे दिए गमले में फ्रेंड्स। और ये डब्बा दो डब्बा है, आंचल के पापा धोए हैं, तेल लाते हैं ना फिर बाकी मिल से, तो ये डब्बा रखा हुआ था ना तो हमको ना टाइम नहीं मिल पाता था, डेली रूटीन करते करते ही जो टाइम पास हो जाता है ना पूरा ख़त्म हो जाता था। तो आज छुट्टी था इनके स्कूल में तो यही डब्बा दोनों धो दिए फ्रेंड्स, तो दोनों को दे देते हैं धूप में सूखने। फ्रेंड्स अभी हम आ गए मेन गेट के पास, आयांश आने वाला है तो हम वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दोस्त तुमको क्या बोला था यू? तुमको बोला हैप्पी बर्थडे। आयांश आ गया घर, इसका दोस्त बोला क्या बाय आयांश, कल छुट्टी है इसलिए नहीं मिल पाएंगे तो आज ही हैप्पी बर्थडे यही बोला इसका दोस्त। पूरा भींग जाता है, पूरा गर्मी से पूरा भींग जाता है, लगता है नहा का यार बच्चा ना। उठ जा, तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्त का? हाँ क्या नाम है? आराम। किस क्लास में पढ़ता है वो? टू ई में है। अच्छा इसका दोस्त बोला कि कल नहीं मिल पाएंगे बाबू क्योंकि कल छुट्टी है तो बोला आज ही हैप्पी बर्थडे, कल इसका बर्थडे है तो बोला आज ही हैप्पी बर्थडे बोल दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आयांश का कपड़ा वगैरह चेंज कर दिए थे और इसको दे दिए हैं ब्रेड सेक करके और प्याज वगैरह। वो क्या है ना कि भाई रोटी नहीं खाना चाहता है क्योंकि पराठा पूरी लेके जाता है स्कूल लंच में और घर में भी वो नहीं खाना चाहता है, चावल एक बार खाता था तो थोड़ा सा अच्छा लगता था, खांसी की वजह से इसको चावल दे नहीं रहे हैं तो बस ये बोला ब्रेड सेक के दे दो, ब्रेड सेक के दे दिया। और ये मोबाइल देख के खा रहा है फ्रेंड्स, मोबाइल का ना इतना ज़्यादा ये लोग ये है, गेम बहुत ज़्यादा खेलता है देखता है तो बस वही क्या बोलता है मीथ पैथ पता नहीं वही उसी का देखते रहता है गेम और खा रहा है। यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है इसको यहाँ पे खाने में, इस तरीके से मोबाइल देखते देखते बहुत टाइम लगा देता है। और ये देखिए ऐसे क्या ऐसे प्याज रख रहा है, कभी निकाल रहा है क्योंकि इसके अंदर ना प्याज रह नहीं रहा है, ये बच्चा है ना तो इससे मतलब रोल भी नहीं हो पाता है, इसके अंदर रखता है और खाते खाते गिर जाता है, इसका आदत है खाना खाता है और कपड़े में हाथ पोंछता है, कितना भी समझाओ लाख समझाओ बच्चे को पर मानता नहीं है फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं कि प्याज ऊपर से खा लिया करो, क्या दिक्कत है, पर मानता नहीं है, इसी में डाल के ही खाएगा, शौक है इसका, हम ऐसे ही खाएंगे। देखिए बार बार इसका प्याज गिरे जा रहा है और उसने रखता है फिर खाता है फ्रेंड्स। और कुछ ही देर में देखिए अब ये इसको बोलेंगे पढ़ाई के लिए, पर पढ़ेगा तो नहीं, इसका आदत है रात में ही पढ़ेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ब्रेड सेके थे तो तावा मेरा गर्म था तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको साफ करूंगी करूंगी पर नहीं कर पा रहे थे। और क्या होता है ना तेल वगैरह का इसमें चिपक जाता है घी का, पूरा जल जाता है और किनारे किनारे, तो सोच रही थी कि इसको साफ करेंगे और तवा मेरा काफ़ी गर्म था और गर्म तवे में अब इसको ना अच्छे से साफ करते हैं ना चाकू वगैरह से और चम्मच वगैरह से तो अच्छे से साफ हो जाता है, तो काफ़ी हद तक मेरा ये साफ हो जाएगा। अभी तो पहली बार कर रही हूँ साफ इसको, पहले इसके पहले तो ना नया था तो नहीं करते थे तो ये काफ़ी अब इसमें ब्लैक ब्लैक बैठ गया था ना जला हुआ, तो सोचिए इसको साफ कर ही लेते हैं तो यहाँ पे कर रहे हैं साफ। और बस गर्म तवे पे ही होता है, ठंडा तवा पे ना ये नहीं होता, जब गर्म रहता है ना बहुत ज़्यादा तो उसमें ये अच्छे से उखड़ जाता है, बहुत ही आसानी से उखड़ जाता है किनारे का।
देखिए अभी तक में इतना ज्यादा उखड़ चुका है इसका, इतना ज्यादा निकल चुका है, बहुत ज्यादा निकला किनारे से इसका जला हुआ। और अब कुछ ही देर में इसको ना साबुन वगैरह देके साफ कर लेंगे, धो लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना ज्यादा इसका जला हुआ ब्लैक ब्लैक निकला है, लग रहा था ना पूरा साफ ही कर दे, पूरा व्हाइट कर दे, पर किनारे का ही हुआ साफ, इधर का नहीं हो रहा था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फूल तोड़ रही हूँ और स्नान मेरा हो चुका है और जाएंगे पूजा कर लेंगे क्योंकि कल फास्टिंग था ना। फ्रेंड्स फूल तोड़ लिए हैं, जा रहे हैं पूजा के लिए, इतना फूल टूटा है। तो आज ना फ्रेंड्स कुछ काम करके मैं ना बस नहा के फटाक से पूजा करके मैं खाऊंगी पहले, क्योंकि कल मेरा फास्टिंग था ना तो इसलिए। और बर्तन वगैरह मैं बाद में करूंगी, कुछ काम कपड़े वगैरह क्योंकि जरूरी है पहले खाना। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स पूजा तो हो गया मेरा, क्योंकि पूजा नहीं करते तो शिव जी महाराज गुस्सा जाते, और अब पेट की पूजा कर लेते हैं फ्रेंड्स। पेट की पूजा नहीं करेंगे तो पेट महाराज जी गुस्सा जाएंगे इसलिए। और कल फास्टिंग था तो उसके बाद मैं क्या खाती हूँ दिखा रही हूँ, बनाई हूँ गुलत्थी, इसलिए क्योंकि इसमें ना ही मसाला रहता है ना ही तेल रहता है, तो अच्छा होता है फास्टिंग के बाद सादा भोजन करना फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, किसी किसी का ना पेट अंबुजा सीमेंट का बना होता है, कुछ भी खाओ सारा चीज़ हजम हो जाता है, और किसी किसी का चीज़ ना सिंपल भी खाना खाओ तो पछता नहीं, उसका पेट ना मिट्टी का बना होता है अंदर पार्ट, कुछ भी खाओ तो गड़बड़ सड़बड़ सा होने लगता है, इसलिए मैं खा रही हूँ फिलहाल ये। चलिए खा लेते हैं फ्रेंड्स। आज दिन सैटरडे है, हम बताने भूल गए थे, और आज है अयंस का बर्थडे, तो बर्थडे विश कर दिया हम सवेरे सवेरे, और अभी ये पढ़ाई कर रहा है, मेरा तो नाश्ता हो गया है, और फिर बाद में बनाएंगे। सैटरडे है तो आज खिचड़ी नहीं बनाएंगे, आज दाल चावल सब्जी ही बनाएंगे क्योंकि कल खाए नहीं है दाल चावल, तो बनाएंगे। और ये अभी जाएंगे इसके पापा ड्यूटी सत्तू पी के। तो फ्रेंड्स आंचल के पापा चले गए हैं ड्यूटी, और इसको देख के गए हैं होमवर्क अयांश को, और इसका ना पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बार बार बर्थडे का ही बात निकाल रहा है, बर्थडे में ये बर्थडे में वो, ये बस पढ़ नहीं रहा है कुछ। क्या बर्थडे के दिन पढ़ाई नहीं करता है? नहीं। क्यों? और उसके पहले तो पढ़ाई करता है ना, तो कल तुम पढ़ाई किया था क्या? तो फ्रेंड्स थकान तो बहुत ज़्यादा लग रहा था थोड़ा आराम करें, रेस्ट करें, क्योंकि थोड़ा रेस्ट मिल जाता तो अच्छा होता, पूरा नींद जैसा लग रहा है। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है ना कि ना करो तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है, और कल संडे हो जाएगा और आज बर्थडे ही है अयांश का, और परसों फिर स्कूल हो जाएगा, तो नहीं करेंगे ड्रेस सब धोना था फ्रेंड्स। देखिए वाइट वाला ड्रेस दे रहे हैं, इसमें डिटर्जेंट घोल लिए हैं और इसमें दे देते हैं, तब तक ये ना अच्छे से फूल जाएगा इसका और साफ हो जाएगा, इसको दे देते हैं फूलने के लिए, फिर बर्तन धोना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अयांश आ गया, हमको धोना है बर्तन यहाँ पे, नहीं तो धूप आ जाएगा, बर्तन धोना है बैठ के। और ये आके देखिए पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई के बीच में उठ के यहाँ क्या कर रहा है, सिर्फ ड्रामा करते रहता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, हमेशा कुछ न कुछ बहाना कुछ न कुछ बहाना करते रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे धो लेते हैं बर्तन, नहीं तो धूप आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा बर्तन धुल चुका है और कपड़ा भी अच्छी तरीके से फूल चुका था डिटर्जेंट में, और अब इसको हम दे रहे हैं वॉशिंग मशीन में और धुल जाएगा 15 मिनट में। सारा चीज बर्बाद करके रख देता है, फाड़ फूड कर देता है, ये क्या किया, ये तुम्हें किया है, खोल खोल पूरा बर्बाद किया है। दो आपको सामान दो, लाओ उसका सामान, लाओ उसका सामान दो, दो ना सारा मेकअप खरीदती, कुछ सामान खरीदी उसका तुम बर्बाद कुछ मत करो, सारा सामान उसका बर्बाद करता है, पढ़ाई कर रहे या मेकअप कर रहे या कुछ भी रहे, आंचल का सारा सामान बर्बाद कर देता है फ्रेंड्स। तू खरीदती है अपने लिए, इसका बर्थडे है, अब ये आज मेकअप करेगा, सारा चीज़ बर्बाद कर देता है फ्रेंड्स। वो खरीदती है ऑनलाइन, देखिए कुछ भी खरीदती है मेकअप करने के लिए, सारा चीज़ बर्बाद कर देता है। बोल रहा है क्या ये एक्सपायर हो जाएगा ना, देखो एक्सपायर हो गया, हम केमिकल बनाएंगे खेलेंगे, देखिए क्या ये करता है देख लीजिए। स्नान करो, पढ़ाई करो, स्नान करो फ्रेंड्स, बहुत जिस दिन घर में रहता है ना और ज्यादा हमको परेशानी हो जाता है। जब तक मेरे उधर कपड़े धुल रहे हैं फ्रेंड्स, और इधर मेरा खाना भी बन रहा है, दाल यहाँ पे बन चुका है, दूध यहाँ पे चढ़ा दिए हैं बॉयल होने के लिए,
और दूध आज एक आधा केजी कम दिया है और सब्जी बन रहा है आलू और करेले की भुजिया, आलू और करेले का भुजिया बना रहे हैं। और फिर अभी खाना बना के खा के ना फिर बर्थडे का तैयारी करने में लग जाएंगे, उसका खाना बनाना पड़ेगा। और ज़्यादा खाना नहीं बनाएंगे बर्थडे के लिए फ्रेंड्स, मतलब सिंपल ही बनाएंगे, जो भी बनाएंगे सिंपल बनाएंगे ताकि जल्दी से हो जाए, और क्योंकि ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, गर्मी का मौसम बहुत तेज़ गर्मी है फ्रेंड्स। तो बस देखते हैं क्या बनाते हैं, लेकिन सिंपल ही बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बार हम कपड़े को सर्फ पानी में धो लिए हैं, और फिर दूसरी बार ये सिर्फ सादा पानी में धोए। और अब क्या करेंगे, कपड़े को दे देंगे फ्रेंड्स इस साइड जिधर सूखता है हमारा कपड़ा, और इस साइड दे देंगे कपड़े को, और इधर नल खोल देंगे फ्रेंड्स। पानी मेरा इसमें जाएगा, पानी भी जाएगा और सूखेगा भी, तो एक बार इसमें कपड़ा मेरा सादा पानी से धुल जाएगा फ्रेंड्स। तो वही करते हैं क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, फिर मौसम भी काफ़ी ख़राब कर रहा है, बादल कर रहा है, पता नहीं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का दी एंड अब मैं यहीं पे करूंगी। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी नए दोस्त जुड़ते हैं हमारे वीडियो पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को फ्रेंड्स। तब फिर मिलते हैं, बाय बाय।